नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम आए हैं रीडिफाइन स्किन क्लिनिक जो कि डॉक्टर कुणाल सिन्हा का है और ये एक स्किन डॉक्टर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिगमेंटेशन क्या है। देखिए, जो आम भाषा में मतलब आम लोगों के बोलचाल में पिगमेंटेशन का मतलब होता है दाग। दाग वैसा दाग जो कि बाकी स्किन कलर से ज़्यादा डार्क हो, गहरा हो। हालांकि मेडिकल टर्म्स में पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है जो गहरा हो, और हाइपो मतलब कि जो सफ़ेद हो या हल्के कलर का हो। लेकिन मैं जनरल बात करूंगा, पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का गहरा दाग जो कि बाकी स्किन कलर से ज़्यादा गहरा हो। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि फेस से पिगमेंटेशन कैसे दूर करें। देखिए, फेशियल पिगमेंटेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है। फेशियल पिगमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं जैसे एक्ने पिगमेंटेशन, एक्ने के बाद जो दाग रहता है पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जो कि झाई, वो भी एक काइंड ऑफ पिगमेंटेशन ही है। बाकी और भी तरह के पिगमेंटेशंस होते हैं, LPP वगैरह। तो फेस को पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उसका कॉज क्या है। डायग्नोसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस टाइप के पिगमेंटेशन किस वजह से है। मेलाज्मा का कॉज दूसरा होता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा वेरी करता है। एक्ने के पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन जो होता है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी, उसका कॉज उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा वेरी करता है। तो यूजुअली पिगमेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बचा के रखने का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का एक बहुत ही मेजर रोल है। तो कोई भी सनस्क्रीन जिसका SPF अराउंड 30 और अबव हो, उसको आपको एवरी 3 आवर्स आपको यूज़ करना चाहिए। साथ में फेस को क्लेंस करने के लिए माइल्ड क्लेंजर या बहुत सारे कोजिक एसिड के फेस वॉश आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक डी पिगमेंटिंग एजेंट भी बहुत तरह के होते हैं, लाइक एजिलिक एसिड, कोजिक एसिड, लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे डी पिगमेंटिंग एजेंट। वो स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा, स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पिगमेंटेशन भी डिपेंड करता है, और कैसे कौन सा एजेंट कब इंट्रोड्यूस करना है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। डी पिगमेंटिंग एजेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये नहीं है कि सीधे कोई भी उठा के हम लोग यूज़ करें। उसका भी एक प्रोटोकॉल है किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके ही आपको क्लियर हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू ही करवाना चाहिए। तो क्या पिगमेंटेशन को क्रीम से ही सिर्फ हटाया जा सकता है या फिर दूसरा ट्रीटमेंट भी है इसके लिए? नहीं, अब तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। बहुत इसमें हम लोग केमिकल पील्स यूज़ करते हैं। केमिकल पील्स एक कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स होते हैं, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड है ना, डिफरेंट कॉकटेल ऑफ केमिकल पील्स होते हैं, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, मैंडेलिक, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल पील्स हैं जिनको जिनसे हम पिगमेंटेशन ट्रीट करते हैं। फिर NDAG लेज़र होता है जो कि और भी एडवांस्ड ट्रीटमेंट है और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, तो उससे भी पिगमेंटेशन को दूर किया जाता है। तो ये कुछ तरीका है अपार्ट फ्रॉम जो कन्वेंशनल हम लोग सनस्क्रीन और जो डी पिगमेंटिंग यूज़ करते हैं। अगर किन्हीं का पिगमेंटेशन उससे भी उतना दूर नहीं होता है तो हम लोग केमिकल पील या लेज़र्स का भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा हमारा जो टॉपिक था पिगमेंटेशन को लेकर। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे इसे हटाया जा सकता है, पिगमेंटेशन को कैसे क्योर किया जा सकता है। तो ये हमें डॉक्टर कुणाल सिन्हा ने बताया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।